एक्सप्लेन आप एक ही है नहीं बोलिए चलेगा मुझे हाँ चलेगा कोई भी लेंगे मीडिया मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम तक मैं वेट किया सब लोग मैं माफ़ी मांगता हूँ ये पिक्चर बहुत मेहनत से हम बनाया बहुत मेहनत से बनाया एक अच्छा कांस्टेबल का बेटा कैसे डॉन बन गया एक अमीर का बेटा है कैसे डन बन गया ये दिखाना है मेरा फिल्म में दाऊद कहाँ अमीर था दाऊद एक कांटेबल बेटा था गरीब का दाऊद कहाँ अमीर था अमीर तो बाद में गरीब 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 का गरीब है ना अमीर में गरीब का बेटा है उनको कंफ्यूज हो रहा है वो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं मालूम पड़ा है उनको कंफ्यूज हो रहा है लेकिन सर आप इतने अंडरवर्ल्ड डॉन के ऊपर फिल्म आप बना रहे हैं हाँ। आपको नहीं लगता आप पुलिस से हीरो बना रहे हैं तो एक पिक्चर बनाएंगे तो हीरो को हीरो अभी अक्षय कुमार क्यों लेके है बॉम्ब दोबारा बॉम्बे करके बनाया अक्षय को क्यों हीरो बना दिया उसी में अजय देवगन का पिक्चर यही है आजिम अस्तान का ऊपर बनाया वो पिक्चर वो हीरो क्यों बना दिया पहले उसको सवाल पूछो मेरे को बाद में तो पूछो हम तो पूछते ही है सबको पूछते हैं हाँ जी हाँ, वो आपको भी पूछ रहे हाँ हम तो मेरा स्टोरी है दाऊद है ओके तो आप हीरो हीरो भी स्टोरी दाऊद है ओके आगे की क्या आपके अनुसार क्या है दाऊद इज अंडरवर्ल्ड डॉन या हीरो आप तो अंडरवर्ल्ड डॉन हीरो ही है हीरो ही तो आगे की प्लानिंग क्या कब तक रिलीज कराएगी फिल्म हम तो ईद में आने के लिए कोशिश कर रहा ट्यूबलाइट भी आ रही है अरे ट्यूबलाइट अलग है दाऊद अलग है ट्यूबलाइट है क्या है सलमान का हजार पिक्चर बना सकते हैं दाऊद एक ही पिक्चर बनता है ओके दाऊद नाम से भी एक ही पिक्चर बनता है आपको ऐसा नहीं लगता आप दाऊद इब्राहिम को कहीं ना कहीं हीरो बनाना चाह रहे हैं अपनी फिल्म के जरिए नहीं मैं एक ही बोल रहा हूँ मेरा पिक्चर्स अलग है मेरा पिक्चर अलग है डिफरेंट है तो आप जल्दी से जल्दी स्क्रीन में आ जाएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं तो आप उसी टाइम में अभी क्या आप वो तो बचपन से हम तो ले लिया था स्टोरी एक आदमी एक गरीब का लड़का कैसा डॉन बन गया यही मैं दिखा रहा हूँ सेंसर तो हो चुका है मेरा पिक्चर ए सर्टिफिकेट मिला अभी मैं यूए के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर क्या कहना चाहिए आपने दाऊद का इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया देखिए हम एक कलाकार है वो अंडरवर्ल्ड डॉन रहने दो या पुलिस अधिकारी रहने दो या सोशल वर्कर रहने दो या पॉलिटिशियन रहने दो कलाकार को क्या अपना कला को कला देना है हमें कोई मतलब नहीं है कि वो किसका रोल कर रहे हैं क्यों हमको जो रोल दिया हुआ है उसको जान देने का काम हमारा है अभी वो आतंकवादी है टेररिस्ट है क्या है उसको सरकार उसका बारे में सोचेंगे उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है उसका वो बारे में सोचेंगे अपन उसके बारे में नहीं बोल सकते हम एक कलाकार है एक फिल्म इंडस्ट्री है इंडस्ट्री में एक कहानी मिला अपने को हमने एक थ्रू स्टोरी बनाने निकले एक कांस्टेबल लड़का कैसा इस लाइन में आ गया कैसा क्या है तो हम एक एंड तक हमने इसको पहुंचा है कि नेक्स्ट पार्ट में आगे का भी ये इशू निकलेगा पूरा आगे मैम आपने कौन से गाने दिए इस फिल्म के लिए क्या 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 बताएं इस फिल्म में मेरा एक गाना है इस फिल्म में मेरा एक गाना है देखा
गाना मैंने गाया है जी। वो गाने का बोल वैसे नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक म्यूज़िक रिलीज है तो आपको सुनने को मिल जाएगा। उससे पहले पता नहीं परमिशन है या नहीं मुझे गाने के लिए, क्योंकि आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहता है जब तक म्यूज़िक रिलीज नहीं होता है। नहीं, इससे पहले भी मैंने गाया है। रिलीज़ में देखा जाए तो फिल्म्स में से ये मेरा फर्स्ट रिलीज़ है फिल्म का। इससे पहले 3 एल्बम्स मेरे सिंगल ट्रैक्स रिलीज़ हुए हैं और फिल्म्स में से डेफिनेटली ये फर्स्ट फिल्म है जो रिलीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। आप ये गाने दिया है, क्या कह रहे हैं? मैंने टाइटल ट्रैक गाया है और मेरी अपकमिंग फिल्म्स हैं द होस्टेज, दाऊद और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एल्बम्स किए हैं। टाइटल ट्रैक तो गाना गाएंगे थोड़ा मैं गा देता हूँ। ये आग है छूना नहीं ऐसा कोई जना नहीं, ये है दाऊद। बस थोड़ा।